नमस्कार दोस्तों, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं विजय विद्रोही, अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मुझसे आमतौर पर पूछा जाता है कि मेरे हिसाब से बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, तो आज मैं एक मोटा मोटा आंकलन करने की कोशिश कर रहा हूं। इकतीस मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोपहर के 11 बजे के आसपास। कितनी सीटें बीजेपी को दो स्थितियों में, एक अगर उनका प्रदर्शन खराब रहता है और एक उनका प्रदर्शन ठीक रहता है, अच्छा रहता है, तो दोनों स्थितियों में उसकी सीटें कितनी आ सकती हैं, ये एक मोटा मोटा अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें मैंने एक बात का ध्यान रखा है कि जो प्रदर्शन जहां बीजेपी का खराब रहा तो वहां भी फंसी हुई आधी सीटें मैंने बीजेपी के खाते में डाल दी है। जहां प्रदर्शन मैं अच्छा मानकर चल रहा हूं वहां फंसी हुई सीटों में से आधी से ज्यादा सीटें मैंने बीजेपी के खाते में डाली है। तो ये है, और प्लस माइनस 10 का तो आंकलन रहेगा ही रहेगा, वो तो आप जानते हैं। तो उत्तर से शुरू करते हैं, लद्दाख से एक सीट है। पहले हम लेते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन अगर कमजोर रहा, पिछली बार बीजेपी ने एकमात्र सीट जीती थी, अगर बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा तो इस बार 0 सीट। जम्मू में 2 सीटें हैं, पिछली बार 2 की 2 बीजेपी ने जीती थी, इस बार प्रदर्शन खराब रहा तो 1 सीट। पंजाब में 13 सीटें, पिछली बार 2 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो 0, खाता नहीं खोल पाएगी। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें, पिछली बार 4 की 4 जीती थी, बीजेपी का प्रदर्शन इस बार खराब रहा तो 2 सीटें। हरियाणा में 10 में से बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो 3 सीटें। उत्तराखंड में 5 सीटें, बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, पिछली बार 5 की 5 जीती थी, तो 1 सीट इस बार मिलेगी। नहीं, माफ कीजिएगा, गलती हो गई, 1 सीट नहीं, बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो 4 सीटें मिलेगी, 1 सीट वो हार जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार 62 सीटें मिली थी, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, एनडीए की बात नहीं कर रहा, तो बीजेपी का प्रदर्शन इस बार खराब रहा तो 52 सीटें। राजस्थान में 25 की 25 सीटें थी, इस बार बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो 18 सीटें। गुजरात में बीजेपी ने 26 की 26 जीती थी, इस बार प्रदर्शन उनका खराब रहा तो 24 सीटें। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीती थी, इस बार प्रदर्शन खराब रहा तो 26 सीटें। छत्तीसगढ़ में से 11 में से 9 जीती थी, इस बार प्रदर्शन खराब रहा तो 1 सीट और कम हो जाएगी, 8, इसके नीचे शायद नहीं जाए। झारखंड में 8 सीटें, प्रदर्शन खराब रहा। बिहार में 17 सीटें लड़ी थी, पिछली बार बीजेपी 17 की 17 जीती थी, इस बार प्रदर्शन खराब रहा तो 14 सीटें। बंगाल में 18 जीती थी, इस बार प्रदर्शन खराब रहा तो 12 सीटें, कुछ लोग 10 भी कह रहे हैं, मैं 12 दे रहा हूँ। असम में प्रदर्शन खराब रहा तो 6 सीटें। उड़ीसा में 8 सीटें जीती थी, इस बार प्रदर्शन खराब रहा तो 8 से बढ़कर 10 हो जाएंगी, खराब प्रदर्शन के बावजूद। कर्नाटक में पिछली बार 28 में से 26 सीटें जीती थी निर्दलीयों को मिलाकर, इस बार प्रदर्शन खराब रहा तो 10 से ऊपर बीजेपी बढ़ नहीं पाएगी मेरे हिसाब से। तमिलनाडु में 0, केरल में 0, तेलंगाना में पिछली बार 4 जीती थी, इस बार प्रदर्शन खराब रहा तो 5 सीटें जीतेगी, प्रदर्शन खराब होने के बावजूद 1 सीट बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश में 0, प्रदर्शन खराब रहा, पिछली बार भी यही था। महाराष्ट्र में 23 सीटें, पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, इस बार प्रदर्शन खराब रहा तो 12 सीटें बीजेपी निकालेगी। इसके अलावा गोवा है, चंडीगढ़ है, नॉर्थ ईस्ट की 10 सीटें हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान है, दादर नगर हवेली है, ये सब मिलाकर करीब 7-8 सीटें इनके खाते में बीजेपी के चली जाएगी। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से मेरा आंकड़ा करीब करीब 225 का बैठता है, 225 सीटें अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो उसकी हालत ये हो सकती है। अब आप कहेंगे अगर प्रदर्शन अच्छा रहा, मैं अति उत्तम प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा, अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो लद्दाख की 1 सीट वो निकाल लेगी जो पिछली बार भी जीती थी, 1। जम्मू में 2 की 2 सीटें बीजेपी निकाल लेगी अच्छा प्रदर्शन रहा। पंजाब में अगर अच्छा प्रदर्शन रहा तो 1 सीट मिल जाएगी। हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन रहा तो सिर्फ 1 सीट लूज करेगी, 3 सीटें मिल जाएगी। हरियाणा में अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो 5 सीटें निकाल लेगी। उत्तराखंड में प्रदर्शन अच्छा रहा तो 500 की 500 सीट मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 62 मिली थी, बुरा प्रदर्शन रहा तो 52 और अच्छा प्रदर्शन रहा तो 57 सीटें मेरे हिसाब से कम बीजेपी की हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में।
राजस्थान में 25 थी पिछली बार, इस बार प्रदर्शन अच्छा रहा तो 20 सीटें मिल जाएंगी। गुजरात में 26 की 26 मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश में पिछला दोहरा देगी बीजेपी अगर प्रदर्शन अच्छा रहा, यानी 29 में से 28 सीटें। छत्तीसगढ़ में भी पिछली बार को दोहरा देगी अगर प्रदर्शन अच्छा रहा, यानी 11 में से 9 सीटें। झारखंड में प्रदर्शन अच्छा रहा तो 10 सीटें। बिहार में 15 में से 17 में से अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो मेरे हिसाब से एक या दो सीटें लूज करेगी, 15 या 16। बंगाल में भी यही स्थिति है, 18 सीटें जीती थी पिछली बार, अगर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो 16 सीटें निकाल जाएगी, 16 या 17 सीटें। असम में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो 9 सीटें। उड़ीसा में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, यानी 8 सीटें थी तो बीजेपी की सीटें बढ़कर 12 हो जाएंगी। कर्नाटक में प्रदर्शन अगर अच्छा रहा तो 13 सीटें हो जाएंगी, पिछली बार 26 थी, आधी रह जाएंगी। तमिलनाडु में अगर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा तो 1 सीट। केरल में 0। तेलंगाना में प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले अगर अच्छा रहा तो 4 पिछली बार मिली थी, इस बार 6 सीटें। आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा रहा तो 2 सीटें। महाराष्ट्र में प्रदर्शन अगर अच्छा रहा तो 14 सीटें। नॉर्थ ईस्ट, गोवा, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान, दादर नगर हवेली, ये सब मिला के करीब 10 सीटें। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा 250 के आसपास पहुंचता है, मोटा मोटा रफली आंकड़ा 250 के आसपास पहुंचता है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी का प्रदर्शन अगर कमजोर रहा तो बीजेपी 220-225, अगर अच्छा रहा प्रदर्शन तो 245-250 के बीच में बीजेपी पहुंच सकती है। ये मोटा मोटा मेरा आंकलन है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, थोड़ी देर बाद मैं नया वीडियो बताऊंगा कि कांग्रेस का अगर खराब प्रदर्शन रहा तो वो कितनी सीटें निकाल सकती है, अच्छा प्रदर्शन रहा तो वो कितनी सीटें निकाल सकती है। बीजेपी का मोटा मोटा आंकलन मैंने बताया, इक्का दुक्का ऊपर नीचे होता ही रहता है। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए मैं, ताकि नया नोटिफिकेशन आए तो उसके आपको उसके जरिए आपको जानकारी मिल जाए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और खुद बताइएगा कि आपके हिसाब से कितनी सीटें आ सकती हैं अगर बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा या अच्छा रहा तो। ये मोटा मोटा आंकलन है, सबके आंकलन ठीक नहीं होते, सब ठीक हों सब गलत हों ये भी जरूरी नहीं होता। मैंने बहुत लिबरल होके चीजें काउंट करने की कोशिश की है। खराब प्रदर्शन के बावजूद मैंने बीजेपी को अतिरिक्त सीटें दी है और अच्छे प्रदर्शन पर भी और ज्यादा अतिरिक्त सीटें देने की कोशिश की है और फंसी हुई सीटों का मैंने आपको बता ही दिया। खराब प्रदर्शन में भी आधी सीटें बीजेपी के खाते में डाली है और अच्छे प्रदर्शन पर आधी से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में डाली है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।